हेलो एवरीवन, आज हम फर्नीचर डिज़ाइन करेंगे और फर्नीचर होगा साइड टेबल। सो सबसे पहले हम फाइल में जाके यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हमारा जो भी रेफरेंस इमेज है। सो हमने ये यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया रेफरेंस इमेज एंड अगेन वहाँ पे यहाँ पे वापस क्लिक किया और आप साइज़ अपना डिसाइड कर सकते हो कि कितना बड़ा आपको चाहिए इधर। सो मैंने वापस क्लिक कर दिया। ओके, देन मैं अगेन इसे रोटेट कर दे रहा हूँ, सीधा कर देता हूँ। ये हमारा हो गया। अभी हम इसका साइज डिसाइड करते हैं। तो हम साइज़ ले लेते हैं 400 बाय 500। रोटेट कर दिया मैंने, ठीक है। 400 बाय 500 लिया हमने। देन इसका जो मैं थिकनेस लेता हूँ ये 170 ले लेता हूँ और इसका हाइट होगा मेरा साइड टेबल का हाइट 450। ओके, इसे मैं यहाँ पे ऊपर मूव कर दिया मैंने 450 के हाइट पे। ये मूव हो गया। अभी मैं इसे ग्रुप कर दे रहा हूँ। फिलहाल राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप कर दिया। अभी हम क्या करेंगे कि इसका ये लेग्स बनाएंगे जो है। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेग का थिकनेस सपोज मैंने 25 mm लिया है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टर्न नहीं हुआ है, सिर्फ यहीं पे है ऐसा फ्रंट और नीचे से ये टर्न हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसका थिकनेस लगभग जो ये नीचे लिया है इन्होंने 35 ले लेता हूँ। ओके, ये 35 मैंने ले लिया। देन ये डिस्टेंस लूँगा मैं, ये कितना होगा तो उसे भी मैं 35 ले लेता हूँ। 35 एंटर, यहाँ से भी 35 में ये कॉपी कर लिया लाइन मैंने, 35 एंटर। ओके, देन अभी मैं इसे नीचे तक मूव कर लूँगा, मेरा जो रेफरेंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये नीचे तक मेरा ये मूव हो गया। अभी मैं क्या करूँगा कि इसे लगभग थोड़ा सा बाहर, लगभग 50 mm, 50 mm एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 40 mm, इसे भी वहाँ पे 40 mm। लेकिन आप देख सकते हो कि हर जगह कहीं पे मूव हो रहा है, तो मैं एक्सेस लॉक करके करना है आपको। शिफ्ट दबा के भी कर सकते हो या राइट एरो की से भी हो जाएगा। आपको ये 40 mm एंटर करना है। ये हो गया। ओके, ये हमारा हो गया। देन अभी आपको क्या करना है इसमें, कि मुझे लग रहा है कि मेरा ये जो साइज़ है थोड़ा पतला है, और तो मैं इसे लगभग और कम कर देता हूँ 10 mm। देन इसे भी मैं थोड़ा कम कर दूंगा 10 mm। हो गया, ठीक है, अभी थोड़ा ये परफेक्ट लग रहा है। ओके, अभी मैं हम क्या करेंगे, इसे एक गाइडलाइन मारेंगे यहाँ पे ऊपर लगभग 25 mm का। देन एक लाइन बना देंगे और ये लाइन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसका सेंटर रेफरेंस दे देंगे। तो ये हमारे सेंटर में ये लाइन आ चुका है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे हम। ये हो गया, बाकी गाइडलाइंस हम डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये हाफ बन चुका है। तो इसे मैं क्या करूँगा, कॉम्पोनेंट बना दूंगा। और इसे फिर हम मिरर कर देंगे। तो मिरर के लिए हम JHS पावर बार यूज़ करेंगे। मिरर के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया डिटेल में, आप वो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, आप देख लेना। सो हम इसे मिरर कर देंगे। तो हमारा बेसिकली ये परफेक्टली बन गया। ओके, ये हमारा बन गया। अगर हमें ये दोनों को सेम करना है फिलहाल, तो हम इस दोनों को सिलेक्ट करके सॉलिड टूल, और इसे हम यूनियन कर देंगे, यूनियन। तो ये हमारा एक हो गया। अभी पहले कैसे था, हम एक सिलेक्ट कर देते तो दूसरा भी होता। अभी
यूनियन, इसके ऊपर भी मैंने अलग से पूरा एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। तो हम इसे यूनियन कर देंगे। तो हमारा ये नीचे का बेस बन गया, लेग्स बन गया, ये भी ऊपर का हम बनाएंगे। तो ऊपर का भी हम क्या करेंगे, ऑफसेट देंगे लगभग, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ही लेवल अप नीचे है ये। सो मैं इसे लगभग 10 mm नीचे ले लेता हूँ। अगेन ऊपर भी मैं ऑफसेट दे देता हूँ 25, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन मैच होनी चाहिए, ये दोनों लाइन। तो अभी ये मैच होगी हमारी दोनों लाइन, एंड इसे मैं आगे तक ले लेता हूँ फिलहाल। ये डिलीट कर देता हूँ, इसे हम 10 mm नीचे पुश पुल कर देंगे, 10 mm, क्योंकि हमने 10 दिया था। ओके, अब देख सकते हो ये अभी ये परफेक्ट हो गया इसकी तरह। अभी ये हम इसे ऊपर ले लेंगे लगभग 100 mm, आई मीन 70 mm ले लेते हैं। एंड ये डिस्टेंस भी हमें चाहिए होगा, तो हम आगे भी ले लेंगे, यहाँ से लगभग ले लेंगे हम 100 mm, 150 ले लेते हैं, 130। यहाँ पे मैंने एक लाइन मार दिया एंड यहाँ पे ओके पुश पुल कर दिया मैंने इसे ऊपर, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम 25 mm पुश पुल करके एक लाइन बना देंगे यहाँ पे, ताकि हम ऊपर का इसका बेस बना पाए। ये भी 25 mm ही है, ये सेम थिकनेस लग रहा है। सो हमने यहाँ पे पुश पुल करके ये रेस कर देते हैं अनवांटेड लाइंस जो भी है। ये हमने ये रेस कर दिया। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि ये कर्व है, तो हम ये कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे ये, और इससे लगभग हम 35 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। तो 50 लगभग लेंगे तो हम ये कर्व हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो ये कर्व हो गया। ओनली थिंग इसकी, इसका हाइट हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसे ऐसे सिलेक्ट करके इसे नीचे कर सकते हैं। लगभग हमने सपोज 5 mm या 10 mm नीचे कर दिया, 10 mm नीचे कर दिया, और ये 10 mm नीचे हो गया, अभी ठीक लग रहा है। ओके, अभी हम ये बनाएंगे, तो इसे हम ग्रूव कर देंगे लगभग, ऑफसेट कर देंगे 4 mm, एंटर, और इसे पुश पुल कर देंगे लगभग 25 mm, 25 mm अंदर पुश पुल कर दिया। देन इसका सेंटर ले लेंगे, हमें सेंटर ये मिल गया गाइडलाइन एक, और यहाँ से हम लगभग 60 mm, यहाँ से 60 mm का गाइडलाइन मार दिया, और यहाँ से हमने 20 mm नीचे कर दिया, एंड एक रेक्टेंगल यहाँ पे सब बना दिया। इसे भी हम लगभग इसे 20 mm पुश पुल कर दिया हमने अंदर। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये कर्व है यहाँ पे। अगेन इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए हम 50 mm, देख सकते हो कि बाहर जा रहा है, ऑफसेट दिखा रहा होगा आपको यहाँ पे। तो हम 15 ले लेते हैं, अभी ये दिखा रहा है कि यहीं तक है, और आप यहाँ बाहर क्लिक कर दोगे और ये आपका ये रेडी हो गया। और यहाँ पे जाके हम डिलीट गाइडलाइंस, हमने इसे पूरा सिलेक्ट करके एक ग्रुप कर दिया। ओके, अभी हम अब देख सकते हो कि ये मॉडल रेडी हो गया पूरा, जैसे इमेज में यहाँ पे है। अगेन हम यहाँ पे जाएंगे वीरे पे, वीरे पे रेंडर करेंगे, पहले मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जाके मटेरियल्स में यहाँ पे क्लिक करके मटेरियल्स में आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो जो भी मटेरियल है आपका। सपोज मैंने ये सिलेक्ट करता हूँ प्लाईवुड, या ये विनियर ले लेता हूँ, मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा, देन इसे सिलेक्ट करके ट्रिपल क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन, और ये सिलेक्ट हो गया। देन अगेन इसे सिलेक्ट करके मैं बकेट टूल लूँगा और इस पर सिंपली क्लिक कर दूँगा, और ये अप्लाई हो गया। अभी हम इसे रेंडर करके देख सकते, तो आप देख सकते हैं कि ये बन चुका, लेकिन आप देख सकते हो कि भी यहाँ पे गैप है, थोड़ा पीछे है, और ये हमारा सेम दिख रहा है, ये हमसे गलती हुई है थोड़ी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ
यहाँ पे हमने लिया, इसे ऐसे सिलेक्ट किया, इसे थोड़ा सा अंदर मूव कर देते हैं हम लगभग 15 mm। ओके, अगर मैं इसे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ऑटो कैड में आप जानते रहोगे, ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो ये नहीं होगा, मतलब जितना भी पोर्शन मेरा आ रहा होगा सब सिलेक्ट हो रहा है। देखो अभी ये भी आ रहा है, फेस सिलेक्ट हो, लेकिन मैं ऐसे करूँगा जितने पोर्शन सब आ रहे मेरे उतना ही सिलेक्ट हो गया, जो पूरा कवर हो रहा है आधा हो रहा है, आधा भी जो होगा वो नहीं होगा, एंड ये सिलेक्ट हो गया और हमने पुश पुल कर, मतलब आई मीन पीछे कर दिया। अभी आप देखोगे तो ये परफेक्टली इसकी तरीके से दिख रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।